नमस्कार बच्चों, आज हम लोग आर एस अग्रवाल क्लास 11th का मैथ सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर हमारा है 27 लिमिट्स और एक्सरसाइज हम लोग करेंगे 27 बी। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 72 तक करेंगे और वही पिछला ही फॉर्मूला है जो हम लोगों ने पिछले वीडियोस में पिछले एक्सरसाइज का जो 50 तक क्वेश्चन में यूज़ किए थे कि लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो कॉस थीटा इक्वल्स टू वन, और ये दोनों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स इक्वल्स टू वन हो जाता है और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन एक्स बाय एक्स भी क्या होता है, वन हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसी फॉर्मूला पे यहाँ पर भी हम लोग बना सकते हैं, बस थोड़ा सा हम लोगों को अपने कॉन्सेप्ट को अपग्रेड करना है, थोड़ा सा हम लोग अपना कॉन्सेप्ट लगा के इस सबको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें कौन कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है। कोशिश करेंगे आप लोगों को सारा एकदम जो है डिटेल से बताएं और आप लोगों को समझ में जरूर आएगी। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स बाय बी साइन एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा है। तो सॉल्यूशन हमारे पास जो है वो है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और ए एक्स है और प्लस एक्स कॉस एक्स है, एक्स कॉस एक्स है और बाई क्या है हमारा बी साइन एक्स है। तो यहाँ साफ साफ क्या देख रहा है बच्चों, यहाँ भी एक्स, दोनों तरफ से हम चाहो तो एक्स कॉमन ले सकते हैं और लिमिट यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स कॉमन ले लिए यहाँ पर बच रहा है ए प्लस कॉस एक्स है ना, और क्योंकि साइन एक्स है तो हम लोगों को फॉर्मूला लगाना होता है, साइन एक्स बाय एक्स वन होता है तो बी और यहाँ पे साइन एक्स और यहाँ पे हम लोग नीचे एक्स ले लेते हैं और इंटू एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या हो गया हमारा यहाँ से देखो, तो ये वाला एक्स और ये वाला एक्स हमारा कैंसिल आउट हो गया और अब ऊपर नीचे दोनों आप लिमिट आराम से लगा सकते हो। तो लगा लेते हैं लिमिट दोनों, ऊपर नीचे दोनों लिमिट लगा रहे तो ऊपर लगाएंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए प्लस कॉस एक्स, ए प्लस कॉस एक्स ऐसा हो गया और नीचे लगा लो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, अब बी तो कांस्टेंट है और साइन एक्स बाई एक्स है ना, तो यहीं से क्या हो जाएगा ए तो ए रहा और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कॉस एक्स वन होता है ना, ऐसे भी एक्स की जगह जीरो डाल दो आप तो कॉस जीरो वन हो जाता है, ये वन आ जाएगा और नीचे ये बी है और साइन एक्स बाई एक्स क्या हो जाएगा वन आ जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है ए प्लस वन बाई बी। ठीक है बच्चों, ए प्लस वन बाई बी यही हमारा आंसर है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 51। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 52 पर। देखो यहाँ क्या है तुम्हारे पास, तो सॉल्यूशन लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो हो गया, साइन ए एक्स है साइन ए एक्स प्लस बी एक्स बाई ए एक्स प्लस साइन बी एक्स ऐसा है ना। तो अब देखो ध्यान से क्या हो रहा है कि यहाँ साइन का ए एक्स है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ साइन पर क्या है बी एक्स है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको फॉर्मूला में लाने के लिए हम लोग एक्स टेंस टू जीरो हो रहा है और यहाँ कर सकते हैं साइन ए एक्स बाई ए एक्स और इंटू ए एक्स कर लिए। ठीक है, ऊपर नीचे, क्योंकि देखो जो साइन थीटा बाई थीटा करना है तो यहाँ ए एक्स है तो यहाँ भी ए एक्स ले लिए प्लस बी एक्स और बाय नीचे भी देखो ए एक्स ऐसा ही है और यहाँ कर सकते हैं साइन बी एक्स बाई बी एक्स इंटू बी एक्स। ठीक है, और अब देखो क्या हो रहा है तुम्हारा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स कॉमन निकाल लो, यहाँ से एक्स कॉमन निकाल लो तो यहाँ क्या बचेगा, साइन ए एक्स बाई ए एक्स इंटू ए प्लस बी। ठीक है, और नीचे क्या हो गया हमारा, ध्यान देना नीचे क्या हो गया, यहाँ से भी एक्स कॉमन निकाल लो, यहाँ बच रहा है ए प्लस साइन बी एक्स, साइन बी एक्स बाई बी एक्स इंटू बी। अच्छा बच्चों, हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग लिमिट भी लगा सकते हैं और अभी तक हम लोगों ने सारे सम में
लिमिट लगाया ही और ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है, अलग अलग। लेकिन अब तो हम लोग क्या हो गया, इतना सम बना लिए पीछे कि अब हम लोगों को पता चलने लगा कि क्या इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। नहीं, पता चलने लगा तो अब उतना ज्यादा लिखने का काम नहीं है। अभी लिमिट एक्स टेंस टू जीरो यहाँ लगाएंगे तो लिमिट ए एक्स टेंस टू जीरो साइन ए एक्स बाई ए एक्स हो जाएगा। तो ये वाली जो चीज हमारी, ये वाली चीज जो हमारी, ये वाली चीज जो हमारी, ये हो गई वन इंटू ए प्लस बी, और यहाँ ये बाई ए प्लस ये वाला साइन बी एक्स बाई बी एक्स हो जाएगा वन इंटू बी, है ना। अब हम लोग बहुत ज्यादा इस तरह का लिमिट नहीं लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी और नीचे भी आ जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू ऊपर नीचे सेम है, कट के वन आ जाएगा और ये हमारा आंसर है, ठीक है बच्चों। तो ये इस तरह से हो गया। तो हम लोगों को थोड़ा जल्दी बनाना है, तो अभी हम लोगों ने सब लिमिट लगाना सीख गया, बहुत सारा सम हम लोगों ने बना लिया, तो अब हम लोग लिमिट लगाना जानते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट साइन ए एक्स बाई ए एक्स क्या होता है, वन होता है, उसका यूज कर लेंगे। पहले क्या कर रहे थे हम लोग, हर एक सम में लिमिट अलग अलग लगा के दिखा रहे थे, बट अब लगाने का जरूरत नहीं है, अब हम लोग डायरेक्ट इसको दिखा देंगे कि हाँ भैया ये वाला चीज ना वन हो जाएगा। और आप लोग को समझ में भी आ गया है क्यों वन होता है, क्योंकि आप लोगों ने पीछे का सम बनाया है, तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलो आगे चलते हैं। देखो 53, ये क्या है तुम्हारा, साइन पाई माइनस एक्स है, पाई माइनस, अच्छा देखो जनरली क्या कहा जाता है कि जब भी ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट आता है, फंक्शन आता है, तो एक्स टेंस टू पाई है, तो इसको ना क्या करना है अपने लोगों को, थोड़ा सा पाई जो है इसको ना पाई से एक्स टेंस टू पाई है इसको ऐसा चेंज करो कि कुछ टेंस टू जीरो हो जाए। तो इसको बनाने का क्या तरीका होता है कि हम लोग ना हमेशा जो भी टेंस टू है पाई प्लस एच मान लेते हैं, एक्स इक्वल टू पाई प्लस एच मान लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो देखो बना के दिखाते हैं, तो क्या हो गया, लिमिट एक्स टेंस टू पाई और साइन है हमारे पास, और ये पाई माइनस एक्स है, और बाई यहाँ पर पाई इंटू पाई माइनस एक्स है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या, देखो पाई तो बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अब हम लोग पुट कर सकते हैं, क्या पुट कर सकते हैं, ठीक है, देखो हम लोग पुट कर रहे हैं यहाँ पर, क्या पुट कर सकते हैं, पुट x इक्व टू पाई प्लस एच, ठीक है, एज x टेंस टू पाई दिस इंप्लाइज h टेंस टू जीरो, ये हम पुट कर सकते हैं, तो कर लेते हैं। तो अब इसके लिए अब हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये पाई तो बाहर ले लेते हैं, तो वन बाई पाई बाहर आ गया, और लिमिट अब पहले x टेंस टू पाई था, अब h टेंस टू जीरो हो जाएगा, तो ये हो गया h टेंस टू जीरो, और साइन पाई की जगह क्या लिखेंगे, पाई प्लस एच माइनस, सॉरी पाई ना, एक्स के जगह लिखना है ना, तो पाई माइनस एक्स के जगह पाई प्लस एच चलेगा, और नीचे पाई माइनस एक्स के जगह पाई प्लस एच, ऐसा हो गया। तो यहां से देखो ये पाई और ये पाई तो कट गया, ये पाई भी क्या हो गया, कट गया। तो अब देखो क्या हो रहा है हमारा, यहां से हो गया वन बाई पाई लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो, और साइन माइनस एच ऊपर है और नीचे भी क्या है तुम्हारा माइनस एच, तो हो गया ना तुम्हारा साइन थीटा बाई थीटा, है ना, साइन थीटा बाई थीटा, एच टेंस टू जीरो तो माइनस एच टेंस टू भी जीरो हो जाएगा, तो ये हो गया वन बाय पाई इंटू वन। तो फाइनल आंसर हमारा आ गया वन बाय पाई, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 53। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 54 देखो, ठीक है, 54 देखो क्या है हमारे पास, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू टेन टू एक्स बाई पाई माइनस पाई बाई टू, तो ये भी पिछले ही की तरह का है। तो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू टेन टू एक्स बाई एक्स माइनस पाई बाई टू, एक्स माइनस पाई बाई टू, ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या पुट कर लेंगे, पुट कर लेंगे एक्स इक्वस टू पाई बाई टू प्लस एच, और एज x tends to pi by 2, this implies h tends to 0, ऐसा हो गया। तो क्या हो जाएगा हमारा, तो this equals to limit h tends to 0 tan 2, और x के जगह pi by 2 plus h by x के जगह pi by 2 plus h minus pi by 2, यहां से pi by 2 क्या हो गया, cancel हो गया। और अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है तुम्हारा, ध्यान से देखो, लिमिट h टेंस टू जीरो, ठीक है, टेन टू से मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हो जाएगा, टू इंटू पाई बाई टू, पाई बचा, अब प्लस टू एच हो गया, नहीं पाई प्लस टू एच बाई एच हो गया तुम्हारा। और यहाँ पर देखो क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू जीरो,
टेन पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा टेन थीटा होता है ना, टेन पाई प्लस थीटा है ना, इलेवेंथ में शुरू में ही हम लोग पढ़े थे, टेन पाई प्लस थीटा टेन थीटा, तो ये हो गया टेन टू एच, और यहाँ पर टू एच है हमारा, और यहाँ पर भी हमारा एच है, तो इसको भी टू कर देते हैं, और इधर भी हम लोग टू कर लेते हैं, तो अब ये वाला चीज पूरा क्या हो गया, वन हो गया ना ये पूरा चीज, तो यहाँ से हो गया वन इंटू टू इक्वल टू आंसर हो गया हमारा टू। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 55 देखो यहाँ पर, ये क्या है तुम्हारे पास, cos 2x minus 1 है, नीचे क्या है cos x minus 1 है, तो चलो देखो सॉल्व करते हैं इसका सॉल्यूशन। लिमिट x टेंस टू 0 क्या है हमारा cos 2x minus 1 by cos x minus 1, तो देखो तो cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, होता है 2 cos square x minus 1 होता है, ठीक है। तो यहां से अगर तुम देखोगे तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 cos 2x का फॉर्मूला, याद ही होगा cos 2x का फॉर्मूला, cos 2x इक्वल टू होता है 2 cos square x minus 1, ये फॉर्मूला होता है, तो इसी फॉर्मूला पे लगा दो 2 cos square x minus 1 minus 1 by cos x minus 1, ऐसा हो गया। तो यहां से देखो क्या हो रहा है, लिमिट x टेंस टू 0 2 cos square x minus 2 by cos x minus 1, ठीक है। और यहाँ से क्या हो रहा है तुम्हारा, लिमिट x टेंस टू 0 2 कॉमन ले लो cos स्क्वायर x माइनस 1 बाई cos x माइनस 1, तो ये हो गया ए स्क्वायर, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिमिट x टेंस टू 0 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर cos x प्लस 1 इंटू cos x माइनस 1 बाई cos x माइनस 1, तो यहाँ से ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब x टेंस टू 0 लगा दो तो 2 है cos x है ना, x पर 0 लगा देंगे तो cos 0 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, तो क्या हो गया 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 2 2 जा 4 है ना, 2 गुना 2 4 हो जाएगा, 2 गुना 2 बराबर 4, 2 गुना 2 बराबर क्या हो गया 4 हो गया, ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है 55, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 56 देखो क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 cosec x माइनस cot x, cosec x माइनस cot x, ठीक है बच्चों। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, तो सॉल्यूशन क्या है हमारा, लिमिट x टेंस टू 0 cosec x माइनस cot x बाई ये है तुम्हारा, ये है ना, तो इसी को हम लोग क्या कर लेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 cosec x क्या होता है 1 बाई साइन x होता है, और cot x क्या होता है cos x by sin x होता है, ठीक है। तो अभी यहां से क्या हो रहा है, हम लोग लिमिट x टेंस टू 0 ले रहे हैं, और नीचे क्या हो गया हमारा sin x, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस cos x, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos x का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर, 2 sin स्क्वायर x by 2 by, और sin x का हो जाएगा 2 sin x by 2 और cos x by 2, तो यहां से 2 2 क्या हो गया तुम्हारा कैंसिल हो गया, और ये एक sin भी क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है बच्चों। तो यहां से हो रहा है हमारा लिमिट x टेंस टू 0 और ऊपर sin x by 2 नीचे cos x by 2, तो ये हो रहा है हमारा tan x by 2। अच्छा ये tan x by 2 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू 0 tan x by 2 है, तो ये हमारा tan 0 by 2, ये हो गया tan 0, और tan 0 का वैल्यू भी क्या होता है 0 होता है, और ये हमारा आंसर हो गया 56 नंबर, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 57 देखो क्या है हमारे पास सॉल्यूशन। लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos 2mx by 1 माइनस cos 2nx, तो अगर हम लोग इसको ये समझ लें, लिमिट x टेंस टू 0 है, और ये समझ लें 1 माइनस cos 2 थीटा, इसको आप थीटा समझो, ये वाला चीज जो हमारा है, ये वाला चीज हम थीटा समझ लो, ये थीटा है, और यहाँ पे नीचे मान लो ये भी थीटा है, तो 1 अच्छा ये ऊपर थीटा तो नीचे अल्फा, कुछ भी मान लो, तो 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है
टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, तो टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, तो थीटा हो गया ए, टू थीटा तो टू साइन स्क्वायर थीटा मतलब एम एक्स, और नीचे भी हो जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा, तो थीटा यहाँ पर एन एक्स है, तो ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से ये दोनों तो कैंसिल हो गया, और अब क्या हो रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। अभी ध्यान दे लो, ऐसा लिख सकते हैं साइन एम एक्स, साइन एम एक्स बाई साइन एन एक्स, तो साइन एम एक्स बाय एन एक्स, इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग यहाँ से। और अभी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, इक्वल्स टू, अभी हम लोग इसको ले सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और साइन एम एक्स बाई एम एक्स इंटू एम एक्स, और नीचे साइन एन एक्स बाई एन एक्स इंटू एन एक्स, और इस पूरे पर होल स्क्वायर चल ही रहा है हमारा। तो ये एक्स तो कैंसिल हो गया, और अब देखो तो क्या, अगर हम लोग लिमिट लगाएंगे ऊपर तो ये वन इंटू एम आ गया, और नीचे वन इंटू एन आ गया, और पूरे पर स्क्वायर, तो आंसर ऊपर आ जाएगा एम स्क्वायर और नीचे आ जाएगा एन स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन 58। ये भी पिछले ही सम के तरह है, तो सॉल्यूशन लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, वन माइनस कॉस एम एक्स बाय वन माइनस कॉस एन एक्स। ठीक है, तो क्या आ रहा है तुम्हारा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, वन माइनस कॉस एम एक्स क्या हो जाएगा, टू साइन स्क्वायर एम एक्स बाई टू बाई टू कॉस स्क्वायर, ये नीचे भी वन माइनस कॉस एन एक्स है, तो टू साइन स्क्वायर एन एक्स बाई टू। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गया, समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ से देखो क्या आ रहा है तुम्हारा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, हम लोग लिख सकते हैं साइन एम एक्स बाई टू अब बाई साइन एन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया हमारा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एम एक्स बाई टू बाय एम एक्स बाई टू इंटू एम एक्स बाई टू। अब बाय यहाँ देख लो क्या हो जाएगा तुम्हारा, साइन फिर से वही कर लो यहाँ पर, एन एक्स बाई टू साइन एन एक्स बाई टू बाई एन एक्स बाई टू, ठीक है, इंटू एन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये होल स्क्वायर आ गया। और अब देखो क्या हो रहा है हमारा, अब देखो क्या हो रहा है हमारा यहाँ से, कि ये टू इस टू को काट देगा, ये एक्स को काट देगा, और ये पूरी कहानी जो है, ये पूरी कहानी क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, वन इंटू एम बाय वन इंटू एन। ठीक है, तो अब इसका क्या हो गया तुम्हारा, स्क्वायर कर दो, तो यहाँ भी हो जाएगा हमारा एम स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम लोग, और ये है हमारा 59, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन स्क्वायर एम एक्स बाय साइन स्क्वायर एन एक्स। तो ये तो बहुत ही आसान सा है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन स्क्वायर एम एक्स बाई साइन स्क्वायर एन एक्स, और ये हो जाएगा हमारा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एम एक्स बाई साइन एन एक्स। ठीक है, और इसका ये पूरा स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये हो गया हमारा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एम एक्स बाई एम एक्स, या नीचे हो जाएगा साइन एन एक्स बाई एन एक्स, और इंटू एम एक्स यहाँ, क्योंकि एम एक्स है तो एम एक्स यहाँ कर लेते हैं, और एन एक्स इंटू यहाँ, यहाँ का हो गया स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये दोनों तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, और अगर देखो तो ये साइन एम एक्स बाय एम एक्स वन हो जाएगा इंटू एम हो गया, और साइन एन एक्स बाय एन एक्स ये वन हो जाएगा इंटू एन हो गया,
और इसका स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया, यह था क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। तो देखो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है हमारा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन टू एक्स प्लस साइन थ्री एक्स बाई टू एक्स और प्लस साइन थ्री एक्स। ठीक है बच्चों, तो फॉर्मूला में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो इसको लिखते हैं साइन टू एक्स बाई टू एक्स इंटू टू एक्स और इसको लिखते हैं साइन थ्री एक्स बाई थ्री एक्स इंटू थ्री एक्स और टू एक्स ऐसे ही रहने देते हैं और यहाँ लिखते हैं साइन थ्री एक्स बाई थ्री एक्स इंटू थ्री एक्स। ठीक है बच्चों, तो ऊपर से x और नीचे से x कॉमन निकाल लो, तो लिमिट x टेंस टू जीरो x ऊपर से कॉमन निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है तुम्हारा साइन टू एक्स बाई टू एक्स इंटू टू प्लस साइन थ्री एक्स बाई थ्री एक्स इंटू थ्री। नीचे से x कॉमन निकाल लो तो क्या आ रहा है तुम्हारा टू प्लस साइन थ्री एक्स बाई थ्री एक्स इंटू थ्री। यहाँ से x और x क्या हो गया कैंसिल हो गया और अब देखो क्या हो रहा है हमारा, अगर लिमिट हम इस पर लगाएंगे तो ये हो जाएगा वन, लिमिट इस पे लगाएंगे तो वन इंटू टू और इसमें लिमिट लगाएंगे तो वन इंटू थ्री बाई टू प्लस वन इंटू थ्री। तो टू प्लस थ्री हो गया फाइव और टू प्लस थ्री हो गया फाइव। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया, फाइव फाइव कैंसिल होकर वन आ गया और यही अपना आंसर हुआ वन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 60। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन 61 है ना, क्या है सॉल्यूशन, लिमिट x टेंस टू जीरो ऐसा है, इसको क्या लिखते हैं हम लोग सेक 4x माइनस सेक 2x और बाई यहाँ लिखते हैं सेक 3x सेक 3x माइनस सेक x। तो सेक में तो कोई काम होगा नहीं तो सबको ना चेंज कर लेते हैं कॉस में, तो लिमिट x टेंस टू जीरो सेक को 1 बाई कॉस 4x ले लेते हैं और माइनस 1 बाई कॉस 2x ले लेते हैं और बाई 1 बाई कॉस 3x ले लेते हैं और 1 बाई कॉस x ले लेते हैं। ठीक है, और चलो इसी का क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू जीरो और हम लोग इसका एलसीएम नीचे रख लेते हैं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा cos 4x into 2x cos 4x into cos 2x cos 4x से cos 4x चला गया क्या बचा cos 2x बचा, अब माइनस cos 2x से cos 2x चला गया क्या बचा cos 4x बचा और नीचे का एलसीएम ले लो cos 3x into cos x cos 3x से cos 3x चला गया क्या बचा cos x और cos x से cos x चला गया क्या बचा cos 3x। ठीक है, और यहाँ देखो क्या आ रहा है तुम्हारा, लिमिट x टेंस टू जीरो तो cos 2x माइनस cos 4x बाई cos 4x cos 2x इंटू इसको पलट लो तो cos 3x cos x बाई cos x माइनस cos 3x। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो, ठीक है, cos c माइनस cos d क्या होता है टू साइन c प्लस d बाई टू c प्लस d बाई टू तो 2x प्लस 4x 6x बाई टू 3x इंटू साइन d माइनस c बाई टू तो 4x माइनस 2x 2x बाई टू क्या हो गया x। ठीक है, और इंटू यहाँ पर क्या है तुम्हारा cos 3x cos 3x cos x। ठीक है, और नीचे देख लो क्या आ रहा है तुम्हारा cos c प्लस cos d, अच्छा ये तो ऐसे ही रह जाएगा, ये तो cos 4x cos 2x और यहाँ क्या हो जाएगा cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d बाई 2x प्लस 3x 4x बाई 2 तो 2x हो गया और
थ्री एक्स माइनस डी माइनस सी बाई टू, तो थ्री एक्स माइनस एक्स टू एक्स बाई टू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये टू इस टू को कैंसिल कर दिया, ये एक्स इस एक्स को कैंसिल कर दिया, ठीक है बच्चों। अच्छा अब देखो क्या आ रहा है तुम्हारा ध्यान से, अच्छा कॉस में तो एक्स टेंस टू जीरो लगाएंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, बस साइन को देखना है। तो ये वाला साइन यहाँ पर हमारे पास और एक साइन हमारे पास यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और साइन थ्री एक्स, साइन थ्री एक्स, ये साइन थ्री एक्स है और बाई थ्री एक्स इन टू थ्री एक्स कर लेते हैं। और अब क्या बच गया ऊपर, ऊपर बच गया कॉस थ्री एक्स, इसका लिमिट का यहाँ पर लिमिट लगाएंगे तो ये कॉस जीरो हो जाएगा, वन आ जाएगा और कॉस एक्स, तो इसके साथ कुछ ज़्यादा करना नहीं है अपने को। और यहाँ पर क्या आ रहा है कॉस फोर एक्स और कॉस टू एक्स, और यहाँ पर साइन टू एक्स बाई टू एक्स कर लेंगे इन टू टू एक्स कर लेंगे। तो यहाँ से देखो ये एक्स और ये एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और अब देखो लिमिट लगाएंगे, तो लिमिट लगाएंगे साइन थीटा बाई थीटा वन आ रहा है इन टू थ्री आ रहा है इन टू कॉस थ्री एक्स, एक्स के जगह जीरो डालेंगे तो कॉस जीरो ये भी वन आ गया, कॉस एक्स यहाँ पे कॉस जीरो ये भी वन आ गया, और बाई देखो क्या है नीचे तुम्हारा कॉस फोर एक्स, एक्स के जगह जीरो डालेंगे तो कॉस जीरो वन, कॉस टू एक्स, एक्स के जगह जो एक्स के जगह जीरो डालेंगे वन, और साइन टू एक्स बाई टू एक्स क्या हो जाएगा वन आ जाएगा तुम्हारा, और इन टू यहाँ क्या आ जाएगा टू आ जाएगा, ऊपर आ गया थ्री नीचे आ गया टू, तो आंसर आ गया थ्री बाय टू, ये हमारा आंसर है, ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर है थ्री बाय टू। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 61। चलो आगे बढ़ते हैं 62 पर, क्या है यहाँ तुम्हारा 62, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो रूट एक्स माइनस रूट अंडर वन प्लस कॉस एक्स। तो देखो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या हो रहा है हमारा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और रूट टू, क्या यहाँ पर रूट टू माइनस रूट अंडर वन प्लस कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा, ऊपर नीचे इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, रूट टू प्लस वन प्लस कॉस एक्स बाई रूट टू प्लस रूट अंडर वन प्लस कॉस एक्स, ऐसा हो गया है ना। तो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह टू हो जाएगा माइनस और वन प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, वन प्लस कॉस एक्स, और नीचे क्या है तुम्हारा साइन स्क्वायर एक्स है, इसको लिखते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और इधर क्या लिखते हैं, और रूट टू प्लस रूट अंडर वन प्लस कॉस एक्स लिखते हैं, ठीक है भाई। तो चलो अभी देखो क्या आ रहा है तुम्हारा, यहाँ से लिमिट एक्स टेंस टू जीरो दो माइनस एक, तो टू माइनस वन वन हो गया और माइनस कॉस एक्स हो गया, माइनस कॉस एक्स हो गया। और नीचे देखो क्या है तुम्हारे पास, यहाँ है वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको वन को वन का स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वन प्लस कॉस एक्स इन टू वन माइनस कॉस एक्स, और ये हमारा रूट टू प्लस रूट अंडर वन प्लस कॉस एक्स, ऐसा आ गया है ना। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा तुम्हारा, कैंसिल हो जाएगा, वन माइनस कॉस एक्स और वन माइनस कॉस एक्स क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया, ठीक है। और अब जो बाकी बचा है उसमें सब में हम लोग क्या कर लेंगे, लिमिट लगा लेंगे, ठीक है। तो चलो अब लिमिट अगर हम लोग सब में लगाएं तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो वन हो गया, नीचे वन कॉस जीरो ये भी वन हो जाएगा, इन टू रूट टू प्लस रूट के अंदर में वन प्लस कॉस जीरो वन हो जाएगा, तो क्या हो गया वन बाई टू और इन टू रूट टू प्लस रूट टू हो गया तुम्हारा, तो क्या चल रहा है हमारा वन बाई टू इन टू टू रूट टू, ठीक है, वन बाई टू इन टू टू रूट टू, तो टू टू जा फोर हो जाएगा ना हमारा, तो यहाँ हो जाएगा वन बाई टू टू जा फोर रूट टू, ये हमारा आंसर हो गया फोर रूट टू, ठीक है बच्चों, फोर रूट टू, ये 62 हमारा हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 63। यहाँ भी क्या हो रहा है हमको, रूट दिख रहा है, रेशनलाइज कर लेंगे, जहाँ रूट दिखेगा वहाँ रेशनलाइज कर लेंगे। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स टेंस टू जीरो है, रूट अंडर वन प्लस साइन एक्स माइनस रूट अंडर वन माइनस साइन एक्स बाई एक्स इन टू, ये हो जाएगा रूट अंडर वन प्लस साइन एक्स और प्लस रूट अंडर वन माइनस साइन एक्स, और नीचे भी हो जाएगा
रूट अंडर वन प्लस साइन एक्स और प्लस रूट अंडर वन माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो इसका कर लिया रेशनलाइजेशन हम लोग, तो यहाँ से हो गया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर मतलब वन प्लस साइन एक्स हो गया और माइनस वन माइनस साइन एक्स हो गया और नीचे क्या हो गया एक्स और साथ में रूट अंडर वन प्लस साइन एक्स और प्लस रूट अंडर वन माइनस साइन एक्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ से वन और वन क्या हो गया हमारा कैंसिल हो गया हमारा, है ना, वन और वन क्या हो गया कैंसिल हो गया और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और देखो साइन एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स हो गया टू साइन एक्स, है ना, अब बाई टू साइन एक्स चल रहा है और यहाँ नीचे क्या है तुम्हारा ऐसे हटा लेते हैं, देखो टू साइन एक्स ऊपर हो गया अब बाई एक्स और यहाँ पे वन बाई जो नीचे का चीज़ है इसको नीचे लिख लेते हैं, इससे क्या होगा कि एक स्टेप हमारा बच जाएगा। तो रूट अंडर वन प्लस साइन एक्स अब प्लस रूट अंडर वन माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ से लिमिट लगाएंगे, इस पूरे में लिमिट लगाएंगे, देखो क्या हो रहा है लिमिट लगाते हैं। तो यहाँ पर लिमिट लगाएंगे तो टू तो अलग हो गया, साइन एक्स बाय एक्स वन हो गया और वन बाय रूट अंडर क्या हो रहा है वन बाय रूट अंडर है तो वन प्लस साइन जीरो क्या होता है जीरो, अब प्लस रूट अंडर वन माइनस साइन जीरो क्या हो जाएगा जीरो, ऊपर तो आ गया टू और नीचे आ गया रूट वन, वन प्लस वन, ठीक है, वन प्लस वन टू, तो यहाँ से क्या हुआ हमारा टू बाई टू, टू बाई टू कट के कितना आ गया वन आ गया, ठीक है बच्चों। तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा है आंसर 63, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम लोग 64, देखो क्या है हमारे पास सॉल्यूशन लिमिट x टेंस टू पाई बाय 6, x टेंस टू क्या हमारा पाई बाय 6, तो 2 माइनस, अच्छा यहाँ से क्या करते हैं हम लोग इसको देखो माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचा रूट थ्री, पहले एक बार लिख लेते हैं ना, पहले एक बार लिख लेते हैं रूट थ्री कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और बाई 6x माइनस पाई का होल स्क्वायर। तो पहले इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या आ रहा है हमारा लिमिट x टेंस टू पाई बाय 6, x टेंस टू पाई बाय 6 और हो गया 2 माइनस, हाँ ब्रैकेट ले लेते हैं तो ये क्या हो गया रूट थ्री कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अच्छा अभी देखो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं और यहाँ पर होता है हमारा 6x माइनस पाई का होल स्क्वायर। अब देखो क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, क्योंकि ये a cos थीटा प्लस b sin थीटा है, तो जब भी ये इस तरह का आता है हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में ही सीखे थे कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा जब भी हो तो इसको डिवाइड करना और मल्टीप्लाई करना है, क्या चीज़ से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना है और रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड भी करना है। तो रूट थ्री का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 और 4 का रूट क्या होता है 2, 4 का रूट क्या होता है 2, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। तो देखो तो हम लोग क्या कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से डिवाइड, तो यहाँ भी 1 बाई 2 हो जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होने वाला है देखो ध्यान से क्या फ़ायदा होने वाला है, तो लिमिट x टेंस टू पाई बाय 6 और 2 माइनस 2 और रूट 3 बाई 2 क्या होता है कॉस 60 डिग्री, तो आप कॉस में चाहो तो कॉस में रख सकते हो, साइन में चाहो तो साइन में रख सकते हो, तो साइन में ही रख लेते हैं, साइन में रखना आसान, या कॉस में जिसमें चाहो आप रख सकते हो। तो कॉस 60 डिग्री, 60 डिग्री का मतलब होता है पाई बाय 6, है ना, 60 डिग्री का मतलब हो गया पाई बाय 6 और कॉस एक्स माइनस वन बाय सॉरी ये क्या है तुम्हारा 3/2 ना, तो कॉस में 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री मतलब पाई बाय 6, ठीक है, कॉस 30 डिग्री और क्योंकि रूट 3/2 कॉस में क्या होता है 30 डिग्री होता है पाई बाय 6 और ये कॉस एक्स और प्लस 1/2 साइन में 30 डिग्री, तो साइन पाई बाय 6, साइन पाई बाय 6 और साइन एक्स, साइन एक्स और नीचे क्या है तुम्हारे पास देखो ध्यान से, नीचे हमारे पास है 6x प्लस पाई का
होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अभी देखो क्या आ रहा है तुम्हारा, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई सिक्स, टू माइनस टू, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी हो जाएगा, तो कॉस पाई बाय सिक्स माइनस एक्स हो गया, ठीक है, कॉस ए माइनस बी आ गया, ठीक है। और नीचे क्या चल रहा है हमारा, सिक्स एक्स माइनस पाई, ठीक है, सिक्स एक्स माइनस पाई का स्क्वायर, ठीक है। तो अभी ये हमारा हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई सिक्स, टू कॉमन निकाल लो, तो वन माइनस कॉस पाई बाई सिक्स माइनस एक्स का, ऐसा हो गया वन माइनस कॉस पाई बाई सिक्स माइनस एक्स, और नीचे क्या है हमारा, सिक्स एक्स माइनस पाई का होल स्क्वायर है, ठीक है बच्चों। तो ये अब हमारा फॉर्मूला में आ गया, वन माइनस कॉस थीटा, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो चलो देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं, तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई सिक्स और टू, और ये हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो थीटा बाई टू कहने का मतलब क्या हो गया, पाई बाई सिक्स बाई टू, तो पाई बाई ट्वेल्व माइनस एक्स बाई टू, ठीक है, पाई बाई ट्वेल्व माइनस एक्स बाई टू, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। और नीचे देखो क्या है हमारा, नीचे है हमारा सिक्स एक्स माइनस पाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये टू टू जा फोर, तो बाहर ले लेते हैं फोर हम, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अच्छा बाहर तो बाद में लेंगे, पहले अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं, क्या x बराबर पाई बाई सिक्स प्लस एच, एज x टेंस टू पाई बाई सिक्स, दिस इम्प्लाइज h टेंस टू जीरो, h टेंस टू क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा, लिमिट h टेंस टू जीरो, और टू टू जब फोर हो रहा है, और साइन स्क्वायर पाई बाई ट्वेल्व, तो ठीक है माइनस वन बाई टू, एक्स के जगह क्या कर लेंगे पाई बाई सिक्स और प्लस एच, ठीक है, ऐसा कर लेंगे। और नीचे देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, बाई सिक्स एक्स के जगह पाई बाई सिक्स प्लस एच और माइनस पाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, फोर तो बाहर आ गया, और साइन स्क्वायर पाई बाई ट्वेल्व माइनस पाई बाई ट्वेल्व माइनस एच बाई टू, ठीक है। और नीचे देखो तो क्या आ रहा है तुम्हारा, नीचे आ रहा है सिक्स से मल्टीप्लाई करो, पाई प्लस सिक्स एच माइनस पाई का होल स्क्वायर, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, और यहाँ से ये पाई पाई कैंसिल हो गया। और अब देखो क्या आ रहा है तुम्हारा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, फोर साइन स्क्वायर माइनस एच बाई टू, ठीक है। और नीचे क्या हो रहा है, छत्तीस एच स्क्वायर, ऐसा आ रहा है, ठीक है। अब क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, बट उसका स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो इसी चीज को हम लोग अब ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अच्छा ये तो कट के यहाँ से नौ चौके छत्तीस, तो एक बटे नौ चाहे तो आप बाहर लगा सकते हो, एक बटे नौ बाहर आ गया, और ये साइन स्क्वायर ये क्या है तुम्हारा, एच बाई टू, ठीक है। या ऐसे ही कर लेते हैं ना, इसको कर लेते हैं ऐसे, माइनस एच बाई टू, और नीचे क्या करते हैं, माइनस एच बाई टू, इस पूरे का क्या करते हैं स्क्वायर, ठीक है, इस पूरे का क्या करते हैं स्क्वायर, ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर करते हैं, नीचे एच स्क्वायर था ना, तो एच स्क्वायर हो जाएगा, इंटू क्या कर लेते हैं माइनस टू, ठीक है, इंटू क्या कर लेते हैं माइनस टू, समझ में आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये पूरा जो हो जाएगा, ये वाला सेक्शन साइन माइनस एच बाई टू और माइनस एच बाई टू, ये वन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक बटे नौ गुना ये साइन माइनस एच बाई टू बाई माइनस एच बाई टू वन हो गया, और एक बटे यहाँ पे माइनस टू का ये पूरा का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ये पूरा का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर स्क्वायर है, तो एक बटे नौ गुना एक बटे चार, एक बटे छत्तीस, तो ये हमारा आंसर आ गया वन बाई थर्टी सिक्स, ठीक है बच्चों, वन बाई थर्टी सिक्स ये हमारा
आंसर आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 64। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 64 था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 65। तो देखो यहाँ 65 में क्या है हमारे पास, कॉस ए एक्स माइनस कॉस बी एक्स बाई कॉस सी एक्स माइनस वन। चलो ठीक है, तो सॉल्यूशन यहाँ क्या हो गया हमारा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला होता है माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू, तो ए एक्स प्लस बी एक्स बाई टू, और साइन सी माइनस डी बाई टू, तो ए एक्स माइनस बी एक्स बाई टू, और बाई नीचे क्या है कॉस सी एक्स माइनस वन, तो यहाँ भी माइनस लेके वन माइनस कॉस सी एक्स कर लेते हैं, तो ये तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ से टू बाहर ले लो, और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन, देखो तो यहाँ पर क्या है ए प्लस बी बाई टू एक्स, और साइन ए माइनस बी बाई टू एक्स, और नीचे वन माइनस साइन कॉस क्या हो जाएगा टू साइन स्क्वायर सी एक्स बाई टू, सी एक्स बाई टू ऐसा हो गया। ठीक है, अच्छा चलो देखो, तो यहाँ से ये टू और ये टू तो कैंसिल ही हो गया, तो यहाँ से आ गया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और यहाँ से देखना साइन ए प्लस बी बाई टू एक्स बाई ए प्लस बी बाई टू एक्स इंटू ए प्लस बी बाई टू एक्स, और इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू एक्स बाई ए माइनस बी बाई टू एक्स इंटू ए माइनस बी बाई टू एक्स, ऐसा हो गया। और नीचे क्या चल रहा है हमारा, साइन स्क्वायर है ना, तो साइन सी एक्स बाई टू बाई सी एक्स बाई टू इंटू, अच्छा इसका स्क्वायर कर दिए है ना, और नीचे एक्स्ट्रा हो गया सी स्क्वायर बाई फोर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इस एक्स को और इस एक्स को काट दिया। ठीक है, ये टू टू जा फोर, इस फोर को काट दिया, और अब लिमिट लगा लेंगे। अच्छा अब लिमिट लगाएंगे तो ये पूरा हो जाएगा वन इंटू ए प्लस बी इंटू वन इंटू ए माइनस बी बाई, यहाँ क्या है सी स्क्वायर, यहाँ क्या है तुम्हारा सी स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 65। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 66 में देखो क्या है तुम्हारा, लिमिट एक्स टेंस टू ए, क्या हमारा कॉस एक्स माइनस कॉस ए बाई कॉट एक्स माइनस कॉट ए, इसको हम लोगों को सॉल्व करना। सॉल्यूशन लिमिट एक्स टेंस टू ए कॉस एक्स माइनस कॉस ए बाई कॉट एक्स माइनस कॉट ए, है ना, तो क्या हो रहा है हमारा लिमिट एक्स टेंस टू ए कॉस एक्स माइनस कॉस ए बाई कॉट को क्या लिखेंगे कॉस एक्स बाई साइन एक्स माइनस कॉस ए बाई साइन ए। ठीक है, और यहाँ से क्या आ गया हमारा लिमिट एक्स टेंस टू ए कॉस एक्स माइनस कॉस ए बाई, नीचे का हम लोग क्या करते हैं साइन एक्स साइन ए, साइन से साइन कटा, तो यहाँ पर क्या बचा कॉस एक्स साइन ए, माइनस साइन से साइन कटा साइन एक्स कॉस ए। ठीक है, तो अब देखो ये हो गया लिमिट एक्स टेंस टू ए, और यहाँ हो रहा है कॉस एक्स माइनस कॉस ए बाई कुछ नहीं तो वन, ये ऊपर चला जाएगा साइन एक्स इंटू साइन ए, और बाई यहाँ क्या हो गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी मतलब एक्स ए माइनस एक्स, तो ए माइनस एक्स ऐसा हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या चल रहा है हमारा लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक्स टेंस टू ए ये क्या है तुम्हारा कॉस सी माइनस कॉस डी, तो टू टू साइन
सी प्लस डी बाई टू, तो एक्स प्लस ए बाई टू और साइन एक्स माइनस ए बाई टू है ना, डी माइनस सी बाई टू, एक्स ए माइनस एक्स बाई टू ऐसा हो गया इन टू। और ये क्या है तुम्हारा साइन एक्स साइन ए, ठीक है ये क्या है साइन एक्स साइन ए, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं साइन एक्स साइन ए। और नीचे इस चीज को क्या लिख सकते हैं साइन साइन थीटा को, टू साइन थीटा बाई टू, टू साइन थीटा बाई टू, तो ए माइनस एक्स बाई टू और साइन ए प्लस एक्स बाई टू, ठीक ऐसा हो गया। तो यहाँ से देखो तो क्या हो रहा है, ये टू टू तो हमारा कट गया, टू टू हमारा कट गया, और यहाँ से क्या हो रहा है ये साइन और ये साइन कट रहा है हमारा, ठीक है। और हमारा क्या हो गया, ठीक है ये कट गया, और दूसरा क्या है हमारा साइन ए प्लस इतना बाई टू और ये ए प्लस इतना बाई टू, तो यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा साइन थीटा होता है टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, तो यहाँ गलती से हमारा साइन लिखा गया है, ये हो जाएगा कॉस ए एक्स बाई टू, ठीक है। अच्छा अब देखो हर जगह क्या करते हैं हम लोग, एक्स टेंस टू ए लगा देते हैं, हर जगह हम लोग क्या करते हैं एक्स टेंस टू ये माइनस है ना, एक्स टेंस टू ये माइनस, तो हर जगह ना क्या लगा देते हैं ए लगा देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन ए प्लस ए बाई टू इंटू यहाँ पर साइन ए फिर इंटू साइन ए और यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस ए बाई टू ऐसा है ना। साइन थीटा का फॉर्मूला टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, तो ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ से देखो साइन टू ए बाई टू साइन ए बचा इंटू साइन ए इंटू साइन ए, आप मल्टीप्लाई लिख सकते हो और यहाँ पे क्या है कॉस जीरो, तो कॉस जीरो वन हो जाता है, तो वहाँ पे हो गया साइन क्यूब ए बाई वन, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा साइन क्यूब ए हो जाएगा साइन क्यूब ए, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 66, ठीक है बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब 67, ये देखो क्या है हमारे पास सॉल्यूशन, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय फोर टेन क्यूब एक्स माइनस टेन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस पाई बाय फोर ऐसा है, ठीक है बच्चों। तो यहां से साफ साफ दिख रहा है क्या कि लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय फोर, ऊपर से एक टेन एक्स कॉमन निकाल लो, तो क्या बचा टेन स्क्वायर एक्स माइनस वन, और नीचे क्या है तुम्हारा कॉस एक्स प्लस पाई बाय फोर, ठीक है। तो यहां से हो रहा है लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय फोर टेन एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टेन एक्स प्लस वन और टेन एक्स माइनस वन, और नीचे क्या है हमारे पास कॉस एक्स प्लस पाई बाय फोर, ठीक है बच्चों। तो टेन एक्स का तो एक्स बाय एक्स इंटू एक्स करके काम बन जाएगा, तो देखो क्या हो रहा है तुम्हारा, या टेन एक्स यहाँ पाई बाय फोर वन हो जाएगा, टेन यहाँ पर पाई बाय फोर वन हो जाएगा, वन माइनस वन ये जीरो, इसको निपटना है अपने को, ये हमारा जो है ना मेन दिक्कत है, यहाँ से जीरो आ रहा है ठीक है और यहाँ से जीरो आ रहा है, तो इस दोनों का साथ कुछ करना है अपने लोगों को। तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय फोर चल रहा है और टेन एक्स ऐसे ही रहने देते हैं और टेन एक्स प्लस वन भी ऐसे ही रहने देते हैं, इसको लिखते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स माइनस वन, और नीचे क्या है हमारा कॉस एक्स प्लस पाई बाय फोर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय फोर टेन एक्स और टेन एक्स प्लस वन, एलसीएम ले लो, यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा कॉस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। और नीचे क्या है तुम्हारे पास, नीचे है कॉस एक्स प्लस पाई बाय फोर, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय फोर टेन एक्स और टेन एक्स प्लस वन, और ये कॉस एक्स है तो कॉस एक्स को तुम लोग नीचे ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं कॉस एक्स और कॉस
एक्स प्लस पाई बाय फोर। अब बचा साइन एक्स कॉस एक्स, ये फिर ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स है, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो यहाँ पर वन और यहाँ माइनस वन, वन का स्क्वायर वन, फिर वन माइनस वन का स्क्वायर भी वन, वन वन टू रूट टू, तो ऊपर भी रूट टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो वन बाई रूट टू साइन एक्स माइनस वन बाई रूट टू कॉस एक्स, ठीक है भाई। और नीचे यहाँ पे रूट टू को हम लोग कॉस पाई बाई फोर लिख सकते हैं या साइन पाई बाई फोर लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई फोर, और ये हमारा टेन एक्स और टेन एक्स प्लस वन, और इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं रूट टू तो हमारे पास है ही, और इसको लिख सकते हैं साइन पाई बाई फोर, और यहाँ पर साइन एक्स साइन पाई बाई फोर साइन एक्स माइनस कॉस पाई बाई फोर कॉस एक्स, है ना। और यहाँ से क्या हो गया, नीचे क्या है तुम्हारे पास कॉस एक्स और साथ में कॉस एक्स प्लस पाई बाय फोर है। तो यहाँ से देख लो क्या हो रहा है हमारा लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय फोर, ये टेन एक्स है, ये टेन एक्स प्लस वन है, और इसका माइनस कॉमन निकाल लो। देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी होता है, इसका माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो माइनस रूट टू हो जाएगा, और जैसे ही माइनस कॉमन निकालें तो अब ये वाला पहले ये वाला बाद में, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी मतलब कॉस ए प्लस बी, तो ये हो गया कॉस ए प्लस बी, तो ए की जगह एक्स ले लो, अब बी की जगह पाई बाय फोर ले लो, ठीक है। बी की जगह क्या करो पाई बाय फोर ले लो, और अब क्या आ रहा है तुम्हारा कॉस एक्स और कॉस एक्स प्लस पाई बाय फोर। तो देखो तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो जो हमारा जो था जो जीरो कर रहा था ऊपर और नीचे जीरो करने वाला टर्म ही जीरो हो गया। अब पाई बाय फोर सब में लगा दो, ठीक है बच्चों, अब पाई बाय फोर क्या करो सब में लगा दो। तो ये माइनस रूट टू तो बाहर ले लेते हैं, और अब लगाते हैं टेन पाई बाय फोर इंटू टेन पाई बाय फोर प्लस वन, और नीचे कॉस पाई बाय फोर, सब में पाई बाय फोर लगा लिए। तो अब क्या हो रहा है माइनस रूट टू टेन पाई बाय फोर वन, वन प्लस वन, और ये क्या है वन बाय रूट टू, नहीं कॉस पाई बाय फोर होता है वन बाय रूट टू, तो माइनस रूट टू इंटू टू, और रूट टू ऊपर चला जाएगा रूट टू, तो रूट टू इंटू रूट टू टू, टू टू जा फोर, तो माइनस फोर हमारा आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 67। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 68। यहाँ भी रूट टू माइनस रूट अंडर वन प्लस साइन एक्स है, तो ऊपर रूट है तो रेशनलाइज ही करेंगे हम लोग। तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू रूट टू माइनस रूट अंडर वन प्लस साइन एक्स बाई रूट टू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू रूट टू प्लस रूट अंडर वन प्लस साइन एक्स बाई रूट टू प्लस रूट अंडर वन प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो क्या आ गया तुम्हारा लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू ए माइनस बी ए प्लस बी रूट टू का स्क्वायर टू माइनस वन प्लस साइन एक्स बाई रूट टू कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ हो गया रूट टू प्लस और रूट अंडर वन प्लस साइन एक्स, ठीक है। अच्छा यहाँ आ गया तुम्हारा लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू टू माइनस वन, वन माइनस साइन एक्स, और बाई नीचे देखो क्या चल रहा है रूट टू और वन माइनस साइन स्क्वायर, इसको वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स कर सकते हैं, वन प्लस साइन एक्स इंटू वन माइनस साइन एक्स, और यहाँ से हो गया रूट टू प्लस रूट अंडर वन प्लस साइन एक्स। तो यहाँ से क्या हो गया वन माइनस साइन एक्स और वन माइनस साइन एक्स क्या हो गया कैंसिल हो गया, और यहाँ से अब लगा देते हैं पाई बाई टू, तो ऊपर तो वन बचा रूट टू वन प्लस साइन पाई बाई टू इंटू रूट टू, और रूट के अंदर में वन प्लस साइन पाई बाई टू, और साइन पाई बाई टू क्या होता है जीरो होता है, ए सॉरी वन होता है, साइन पाई बाई टू वन, साइन नाइन्टी डिग्री वन, साइन जीरो जीरो, तो रूट टू
वन प्लस वन रूट टू, रूट के अंदर में वन प्लस वन, ठीक है। तो क्या चल रहा है हमारा, वन बाय रूट टू इंटू टू इंटू रूट टू प्लस रूट टू, टू रूट टू, तो कितना आ गया, दो दूनी चार दूनी आठ, ठीक है बच्चों, तो वन बाई एट ये हमारा आंसर आ गया, है ना। दो दूनी चार, रूट टू गुना रूट टू टू, तो टू टू जा फोर टू जा एट, ये आंसर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 68। चलो क्वेश्चन नंबर 69 देखो क्या है तुम्हारा, कॉस क्यूब कॉस स्क्वायर एक्स माइनस थ्री और कॉस एक्स माइनस वन, तो कॉट कॉट स्क्वायर एक्स, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है ना, तो यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ लगा देंगे। तो सॉल्यूशन क्या है हमारा, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय सिक्स, और ये हमारा कॉट स्क्वायर एक्स माइनस थ्री बाय कॉसेक एक्स माइनस टू, ठीक है। तो अभी देखो क्या हो रहा है, यहाँ से लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय सिक्स, कॉट स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन माइनस थ्री, और नीचे क्या है तुम्हारा कॉसेक एक्स माइनस टू। तो देखो क्या आ गया यहाँ से हमारा, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय सिक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस फोर, माइनस फोर का मतलब टू का स्क्वायर हो गया है ना, और कॉसेक एक्स माइनस टू, तो ऊपर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय सिक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉसेक एक्स प्लस टू इंटू कॉसेक एक्स माइनस टू, और नीचे ले लो कॉसेक एक्स माइनस टू, यहाँ से ये दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया, और अब क्या आ रहा है यहाँ पर कॉसेक एक्स के जगह पाई बाय सिक्स प्लस टू, तो कॉसेक पाई बाय सिक्स, तो कॉसेक पाई बाय सिक्स क्या होता है साइन पाई बाय सिक्स वन बाई टू, तो कॉसेक पाई बाय सिक्स टू प्लस टू इक्वल टू कितना आ गया हमारा आंसर फोर आ गया, ठीक है बच्चों हमारा आंसर आ गया फोर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। चलो देखो यहाँ पर क्या है तुम्हारा सॉल्यूशन, लिमिट एक्स टेंस टू पाई रूट अंडर टू प्लस कॉस पाई, है ना, टू प्लस कॉस पाई माइनस वन बाई पाई माइनस एक्स का, सॉरी कॉस एक्स है, कॉस एक्स माइनस वन, तो इसको भी हम लोग क्या रेशनलाइज कर लेते हैं, तो रूट अंडर टू प्लस कॉस एक्स प्लस वन बाई रूट अंडर टू प्लस कॉस एक्स प्लस वन, ठीक है ऐसा हो गया। तो यहाँ से देखो क्या हो रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू पाई ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर टू प्लस कॉस एक्स माइनस वन, ठीक है, और नीचे क्या है तुम्हारा पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर रूट अंडर टू प्लस कॉस एक्स प्लस वन, ठीक है। तो अभी देखो क्या हो रहा है, ये वन प्लस कॉस एक्स आ गया ऊपर, तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई और वन प्लस कॉस एक्स बाई पाई माइनस एक्स का स्क्वायर और इंटू इंटू देखो क्या हो रहा है हमारा इंटू रूट अंडर टू प्लस कॉस एक्स प्लस वन, ठीक है, तो ऐसा आ गया। तो अब देखो बहुत सिंपल सा यहाँ पुट कर लेना है, पुट करते हैं एक्स इक्वल्स टू पाई प्लस एच एज एक्स टेंस टू पाई दिस इंप्लाइज एच टेंस टू जीरो। अब हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं हर जगह, तो यहाँ से आएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो और वन प्लस कॉस पाई प्लस एच, और नीचे कर लेते हैं पाई माइनस एक्स के जगह पाई प्लस एच का होल स्क्वायर और रूट के अंदर टू प्लस कॉस पाई प्लस एच कॉस पाई प्लस एच और प्लस वन, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ से आ गया हमारा लिमिट एच टेंस टू जीरो वन कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस कॉस एच, ठीक है, और नीचे क्या आ गया तुम्हारा पाई पाई तो कैंसिल हो गया माइनस एच का स्क्वायर तो हो गया एच स्क्वायर और रूट के अंदर में वन माइनस कॉस एच
और प्लस वन, ठीक है, तो ऐसा आ रहा है तुम्हारा। अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है, लिमिट एच टेंस टू जीरो, वन माइनस कॉस एच टू साइन स्क्वायर एच बाई टू, ऐसा हो रहा है। अच्छा थोड़ा सा देखो इसको, यहाँ पर हमने एच है, इसको भी एच बाई टू का होल स्क्वायर कर लेते हैं, इन टू टू का होल स्क्वायर तो फोर यहाँ डाल देते हैं, और वन बाय यहाँ पे रूट अंडर वन माइनस कॉस एच, कॉस एच है, कॉस एच डालेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस एच क्या होता है, कॉस जीरो वन होता है, तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, कोई फर्क वर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इसको यहीं छोड़ देते हैं, तो ये हो गया हमारा, सॉरी टू था ना, यहाँ टू था तो यहाँ पर टू चल रहा है, तो यहाँ भी हमारा क्या है, टू माइनस कॉस एच प्लस वन, ठीक है ऐसा। अब लगा देते हैं लिमिट, देखो तो ये तो टू टू जा क्या हो गया, फोर हो गया, और साइन स्क्वायर एच बाई टू और एच एच बाई टू का होल स्क्वायर, ये तो हो गया वन इंटू वन बाई टू इंटू वन बाई रूट अंडर टू माइनस कॉस जीरो वन होता है और प्लस वन, तो वन बाई टू इंटू वन बाई रूट के अंदर वन प्लस वन, ये भी टू आ गया, और फाइनल आंसर आ रहा है वन बाई टू टू जा फोर, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया, ये था क्वेश्चन नंबर 70। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 71। तो ये भी देखो क्या है तुम्हारा, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई फोर वन माइनस टेन एक्स बाई वन माइनस रूट टू साइन एक्स, ठीक है बच्चों, वन माइनस रूट टू साइन एक्स। तो हम लोग अभी इसको क्या कर सकते हैं, ये वन माइनस रूट टू साइन एक्स है हमारे पास, ठीक है, तो ऊपर वाले को भी पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई फोर वन माइनस ये साइन एक्स बाई कॉस एक्स बाई वन माइनस रूट टू साइन एक्स, ऐसा चल रहा है। तो यहाँ से क्या हो रहा है हमारा, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई फोर एलसीएम ले लेते हैं कॉस एक्स, ऊपर हो गया हमारा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और बाई देखो नीचे क्या है हमारे पास, वन माइनस रूट टू साइन एक्स, ऐसा है, ठीक है, वन माइनस रूट टू साइन एक्स। तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई फोर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स वन माइनस रूट टू साइन एक्स, ऐसा है ना। अच्छा ऊपर में देखो तो ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स आ गया, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, तो इसी पर हम लोग काम कर लेंगे, ठीक है। तो देखो क्या आ रहा है, तो यहाँ से आ गया लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई फोर और रूट टू, क्योंकि वन का स्क्वायर वन होगा, माइनस वन का भी स्क्वायर वन, वन प्लस वन टू का रूट, रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड, वन बाई रूट टू कॉस एक्स वन बाई रूट टू साइन एक्स, ठीक है, और बाई कॉस एक्स, और देखो रूट टू यहाँ से कॉमन निकाल लो तो यहाँ हो जाएगा वन बाय रूट टू माइनस साइन एक्स, ऐसा आ जाएगा वन बाय रूट टू माइनस साइन एक्स, है ना। तो अभी देखो यहाँ से ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ऊपर देखो अब क्या हो रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय फोर और वन बाय रूट टू को क्या लिख सकते हैं, वन बाय रूट टू को लिख सकते हैं हम लोग कॉस, यहाँ पर चाहो तो साइन पाई बाय फोर कॉस एक्स माइनस कॉस पाई बाय फोर साइन एक्स, तो साइन पाई बाय फोर वन बाय रूट टू को पाई बाय फोर, और कॉस एक्स माइनस कॉस पाई बाय फोर साइन एक्स, ऐसा हो गया, और यहाँ क्या आ गया तुम्हारा कॉस एक्स, और ये वन बाय रूट टू माइनस साइन एक्स, ये साइन एक्स है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी हो जाएगा साइन ए माइनस बी, तो ये लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय फोर साइन ए माइनस बी, तो साइन पाई बाय फोर माइनस एक्स, और नीचे क्या है हमारे पास साइन पाई बाय फोर माइनस एक्स, ऐसा चल रहा है कि साइन पाई बाय फोर माइनस एक्स हो गया। अच्छा और नीचे क्या वन बाय रूट टू, यहाँ साइन एक्स है, अच्छा इसको लिख सकते हैं साइन पाई बाय फोर माइनस साइन एक्स, वन बाय रूट टू को लिख सकते हैं ऐसा। अच्छा अब इसका फायदा क्या हो गया, ये साइन सी माइनस साइन डी नीचे आ रहा है, और यहाँ नीचे तो कॉस है ना, ये वाला कॉस एक्स है, तो ये कॉस एक्स ही हो गया,
और ये लिमिट हो गया हमारा एक्स टेंस टू पाई बाई फोर, और साइन थीटा क्या होता है, टू साइन थीटा बाई टू, तो पाई बाई एट माइनस एक्स बाई टू, और कॉस थीटा बाई टू, तो कॉस पाई बाई एट माइनस एक्स बाई टू, नहीं साइन थीटा, टू साइन थीटा बाई टू, इस पूरे को बाई टू करोगे तो पाई बाई एट माइनस एक्स बाई टू हो जाएगा, और कॉस थीटा बाई टू तो पाई बाई एट माइनस एक्स बाई टू हो जाएगा, और यहाँ नीचे क्या है तुम्हारा कॉस एक्स है, और ये साइन सी माइनस साइन डी, तो टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, तो पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू करेंगे तो ये भी वही हो जाएगा, और साइन टू सी प्लस डी बाई टू, और साइन सी माइनस डी बाई टू, तो पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू ऐसा चलेगा, ठीक है। तो अभी देखो तो ये क्या हो रहा है, कॉस पाई बाई एट प्लस एक्स, ठीक है, और यहाँ क्या है साइन पाई बाई एट, देखो यहाँ साइन पाई बाई एट माइनस एक्स बाई टू, तो ये साइन पाई बाई एट माइनस एक्स बाई टू, साइन पाई बाई एट माइनस एक्स बाई टू, तो कैंसिल हो जाएगा, ये टू टू भी क्या हो गया कैंसिल हो गया, है ना। और अब हम लोग यहाँ पे पाई बाय फोर डाल देते हैं, तो ऊपर क्या जा रहा है, कॉस पाई बाय एट माइनस यहाँ पे एक्स बाई टू, तो एक्स की जगह पाई बाय फोर, तो पाई बाय फोर बाई टू, तो पाई बाय एट यहाँ आ गया, और नीचे क्या चल रहा है अब हमारे पास, नीचे चल रहा है कॉस एक्स, तो कॉस पाई बाय फोर इंटू यहाँ पर पाई बाय फोर, पाई बाय फोर, पाई बाय टू बाई टू, पाई बाय फोर, और एक्स की जगह पाई बाय फोर डाल रहे हैं, तो पाई बाय फोर प्लस पाई बाय फोर, पाई बाय फोर प्लस पाई बाय फोर, पाई बाय एट हो गया बाई टू, तो कॉस पाई बाय फोर, पाई बाय फोर, पाई बाय टू बाई टू, तो पाई बाय फोर ही हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे नहीं कर लो ऐसे, पाई बाय फोर प्लस पाई बाय फोर कितना हो गया पाई बाय टू, पाई बाय टू बाई टू, तो पाई बाय फोर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया तुम्हारा। अब देखो ये कॉस जीरो, ऊपर कॉस जीरो, और यहाँ पर वन बाय रूट टू, और पाई बाय फोर वन बाय रूट टू चल रहा है, तो ये वन बाई टू, तो पलट के क्या आ गया हमारा टू आ गया, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा लेंदी था बट आसान था, ये हमारा टू आ गया, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 71। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं 72 पर, तो चलो देखो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है हमारा, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई सिक्स, टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस वन, टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस थ्री साइन एक्स प्लस वन, ठीक है। तो क्या हो गया तुम्हारा, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है फैक्टराइज कर लेते हैं, तो टू साइन स्क्वायर एक्स, और पहला लास्ट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस टू हो रहा है, तो प्लस टू साइन एक्स माइनस साइन एक्स, है ना, तो हो गया, और माइनस वन बाई टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस, अभी यहाँ पे टू है तो माइनस थ्री, थ्री साइन चाहिए ना, तो माइनस टू साइन एक्स और माइनस साइन एक्स और प्लस वन, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, है ना। ये बस क्वाड्रेटिक के तरह सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो करते हैं हम लोग सॉल्व, तो इस दोनों का मल्टीप्लाई टू साइन स्क्वायर एक्स होना चाहिए, और इसका माइनस थ्री साइन एक्स प्लस करके, तो प्लस करके माइनस थ्री एक्स, मल्टीप्लाई करके माइनस माइनस प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स हो गया, तो यहाँ से टू साइन एक्स कॉमन निकाल लो इस दोनों से, यहाँ बचा साइन एक्स प्लस वन, और यहाँ से माइनस वन कॉमन निकालो, तो साइन एक्स प्लस वन बाय यहाँ से टू साइन एक्स कॉमन निकालो, तो क्या बचा साइन एक्स माइनस वन, माइनस वन कॉमन निकालो साइन एक्स माइनस वन, ठीक है। तो क्या हो रहा है तुम्हारा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, तो साइन एक्स प्लस वन, और यहाँ से ले लो टू साइन एक्स माइनस वन, और यहाँ से ले लो साइन एक्स माइनस वन, और यहाँ से ले लो टू साइन एक्स माइनस वन, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ से ये क्या हो गया तुम्हारा, कैंसिल हो गया। अब एक्स टेंस टू जीरो लगा दो, तो साइन जीरो माइनस प्लस वन, और यहाँ पर साइन जीरो माइनस वन, तो ऊपर आ गया तुम्हारा जीरो प्लस वन और जीरो माइनस वन, ठीक है, जीरो प्लस वन और जीरो माइनस, सॉरी पाई बाई सिक्स है ना, ये गड़बड़ हो गया, पाई बाई सिक्स है भाई, ये पाई बाई सिक्स है, तो क्या हो जाएगा साइन पाई बाई सिक्स, और नीचे भी हो जाएगा पाई बाई सिक्स, और साइन पाई बाई सिक्स 30 डिग्री हो गया ना, तो ये वन बाई टू प्लस वन और वन बाई टू माइनस वन, है ना, तो वन बाई टू प्लस वन क्या हो गया थ्री बाई टू और माइनस वन बाई टू, तो वन बाई टू कटा माइनस थ्री आंसर आ गया हमारा, तो ये माइनस थ्री आंसर है, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 72। तो बच्चों आज हम लोगों ने ये वाला एक्सरसाइज पूरा का पूरा खत्म कर लिया, थोड़ा सा इसमें लेंथी क्वेश्चन था,
तो आप लोग पेशेंस रख के इसको बनाइए, है ना, और जब एक बार दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोगों का आसानी से बनने लगेगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।